नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल 2019 जुलाई के मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे और ये सातवां महीना है 2019 का जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में इस राशिफल में हम आपको बताएंगे आपके पारिवारिक, वैवाहिक, आर्थिक, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य के बारे में। साथ ही हम आपको आपकी समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा एक और खास चीज़ है जो हम आपको बताएंगे, वो है जुलाई के महीने में कौन कौन सी तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, इसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक तो ज़रूर देखें। लेकिन चलिए जल्दी से सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जुलाई के महीने में कौन कौन से तीज त्यौहार हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आप तक समय से पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। दोस्तों, जुलाई के महीने में सबसे पहले 1 जुलाई को है, दिन है सोमवार और इस दिन है मासिक शिवरात्रि। 2 जुलाई दिन है मंगलवार और इस दिन है आषाढ़ अमावस्या। 4 जुलाई दिन है गुरुवार और इस दिन है जगन्नाथ रथ यात्रा। 12 जुलाई दिन है शुक्रवार और इस दिन है देव शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी। 14 जुलाई दिन है रविवार और इस दिन है प्रदोष व्रत। 16 जुलाई को है दिन मंगलवार और इस दिन है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत और कर्क संक्रांति। 20 जुलाई दिन है शनिवार, उस दिन है संकष्टी चतुर्थी। 28 जुलाई दिन है रविवार, उस दिन है कामिका एकादशी। 29 जुलाई को है दिन सोमवार, उस दिन है प्रदोष व्रत। 30 जुलाई दिन है मंगलवार और उस दिन है मासिक शिवरात्रि। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो जुलाई के महीने में ढेर सारे तीज त्यौहार आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में। परिवार में मधुर संबंध स्थापित होने की संभावना बन रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ तालमेल अच्छे होने से घर गृहस्थी में उन्नति देखने को मिल सकती है। पारिवारिक सामंजस्य बढ़ने से घर के कामकाज के साथ साथ बाहर के कामकाज के क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना है। इस माह में माता पिता के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और माता पिता के सहयोग से सगे संबंधियों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। जरूरत पड़ने पर घर वालों का सहयोग मिलेगा, भाई बहन इत्यादि से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। घर परिवार का संतुलन ठीक रहेगा। इस समय आप खुद पर भरोसा करते हुए घर परिवार के सभी सदस्यों पर अपना भरोसा दिखाएं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। ऐसा करके अगर कोई मतभेद है तो उसे खत्म किया जा सकता है। संतान पक्ष के सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। घर में कुछ नए कार्य करने का अवसर मिलेगा और एक दूसरे के सहयोग से किसी बड़े कार्य को आप अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। बात करें कि प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका, तो इस माह में प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र मिथुन राशि में संचरण कर रहा है जो प्रेम संबंधों को लेकर अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। इसीलिए प्रेमी या प्रेमिका के साथ मधुर संबंध होने के साथ साथ कामकाज के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग आपको मिलेगा। यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से कोई सहयोग चाहते हैं तो वह भी समय के अनुसार आपको प्राप्त हो सकता है। यदि किसी तरह की कोई बात परेशान कर रही है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, किसी कामकाज के उद्देश्य से कोई बैठक इत्यादि करना चाहते हैं तो वह भी इस माह में संभव है। लेकिन प्रेमी प्रेमिका से कार्य के प्रति सामान्य व्यवहार करना चाहिए और प्रेम संबंधों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस माह में कुछ नए संबंध बनाने की संभावना बन रही है और प्रेम संबंध को लेकर स्थितियां काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। हालांकि इस माह में दाम्पत्य जीवन को लेकर तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्योंकि राहु मिथुन राशि में संचरण कर रहा है जो दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छी स्थिति नहीं है। जीवन साथी का सहयोग न प्राप्त होने से कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए जीवन साथी से सामान्य संबंध बनाए रखने की कोशिश करें। इस माह में बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। बात करें अगर आपके आर्थिक जीवन की, तो इस माह में आर्थिक लाभ प्राप्त होने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। आर्थिक लाभ से धन अचल संपत्ति का लाभ हो सकता है। अचल संपत्ति के मामले में निवेश करना भी आपके लिए बेहतर होगा। यदि किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी आदि के खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये वक्त आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा फल देगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और किसी तरह का कोई निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो वह इस माह में कर सकते हैं। इस तरह के निवेश से आर्थिक स्थितियां सुदृढ़ हो जाएंगी। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसायिक दृष्टि से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा जुलाई के महीने में। इसीलिए आप व्यवसायिक दृष्टि से भी निवेश जरूर करें। कामकाज के क्षेत्रों को विस्तार दे सकते हैं और इस माह में कामकाज के क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको अपने सगे संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन अपने आप पर भरोसा करते हुए स्वयं से किसी कार्य को करने का प्रयास करना आपके लिए बेहतर होगा। इससे आर्थिक लाभ प्राप्त होने की भी स्थिति बन रही है। किसी प्रकार की बाहर की यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा जिससे अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतना आपके लिए बेहतर होगा। बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो इस माह में अनावश्यक जोड़ों का दर्द उत्पन्न हो सकता है और किसी तरह का शारीरिक कष्ट होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि ऐसा किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो तो समय पर इलाज कराएं, आपके लिए यही बेहतर है।
अनावश्यक किसी तरह की कोई बीमारी उत्पन्न होने की भी संभावना दिख रही है। अब बात करें कि जुलाई के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए कौन कौन सी तारीख शुभ नहीं है, तो 1, 2, 10, 11 और 19 तारीख आपके लिए तनाव उत्पन्न कर सकती है। इन दोनों में सावधानी रखते हुए किसी भी कार्य को करना अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखते हुए समय व परिस्थिति के अनुसार कार्य करना भी आपके लिए बेहतर होगा। बात करें उपाय की, तो बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें और गणपति को दुर्वा यानी कि घास अर्पित करें, आपके लिए बेहतर हो सकता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, विद्यार्थी को सहयोग और सेवा प्रदान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके लिए इस माह में फायदेमंद रहेगा। तो बात की इस वीडियो में हमने कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे तुरंत लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम बहुत ही जल्द बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, ज्योतिष रिलेटेड सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो इसे बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।